नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम पढ़ लिए थे, और आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा कि हम लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि परसेंटेज का प्रोग्राम कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग परसेंटेज की ही बात करेंगे। ठीक है, हम लोग आज परसेंटेज को निकालना ही सीखेंगे सी लैंग्वेज में। सपोज दैट हम टोटल कुछ भी मान लो कि अगर मान लीजिए कि हम कोई नंबर दे देते हैं और नंबर को हमें काउंट करना हो, काउंट करके हमें क्या करना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए डियर बात करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले। और हमारा जो आज का प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम का नाम होगा राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट स्टूडेंट हुयर फाइव सब्जेक्ट Where five subject marks is given by user। तो आज का हमारा यही प्रोग्राम होगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं ये प्रोग्राम को, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से यहाँ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, हेडर फाइल लगाना होता है। क्या करना होता है, हेडर फाइल लगाना होता है, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है या प्राप्त करना है, वेयर जहाँ पाँच सब्जेक्ट के मार्क्स को हमको देना होगा और पाँचों सब्जेक्ट को क्या करना है, परसेंटेज को निकाल लेना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन देखते हैं कैसे हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे हेडर फाइल हम लोग लगाते ही हैं, हैज इंक्लूड stdio.h हो गया, हैज इंक्लूड conio.h। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वाइड मेन करली ब्रेकेट ओपन करते हैं। अब हमको डिफाइन क्या करना होता है, सबसे पहले इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं int, और यहाँ पे सब्जेक्ट वन s1 s2 s3 s4 s5 s5। अब ऐसे ही आपको करना क्या है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, यहीं पे क्या कर लिया, फ्लोट भी ले लिया, या फ्लोट में परसेंट, या हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, परसेंटेज ले लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज को भी डिफाइन कर लिया, क्या निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। ओके, चलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर लिया। आप क्या करेंगे, CLR SCR लगाने के बाद, जी हाँ, CLR SCR लगाने के बाद प्रिंट ऑफ मैसेज दे दीजिए। क्या दे देंगे, प्रिंट ऑफ मैसेज दे देंगे, प्रिंटफ में क्या देना है, प्रिंटफ में हमें क्या देना है, इंटर द फाइव सब्जेक्ट
मार्क्स, इंटर द फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, स्कैनअप फंक्शन लगा देते हैं, और स्कैनअप में हम लोग क्या करेंगे, परसेंट डी, फाइव टाइम्स हमने क्या लगा दिया, परसेंट डी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइव वेरिएबल को डिफाइन किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंड एस वन कामा एंड एस टू कामा एंड एस थ्री कामा एंड एस फोर कामा एंड एस फाइव, ओके, इतना काम मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, परसेंटेज को हमको करना क्या है, सबको जोड़ के पाँच से भाग देना है ना, तो एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर प्लस एस फाइव, सबको जोड़ लीजिए, और क्या करेंगे, यहीं पे डिवाइड कर देंगे भाई, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सबको जोड़ के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पाँच से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पाँच से डिवाइड कर दिया, आई बात समझ से सबको। चलिए अब क्या करेंगे, प्रिंट अप मैसेज देते हैं लास्ट में, प्रिंट अप में लास्ट में क्या दे देंगे, द परसेंटेज ऑफ फाइव सब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, परसेंट डी के साथ किसको प्रिंट कराना है, हमें परसेंटेज को प्रिंट कराना है, करा दो यहाँ पे, चलिए ओके। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे तुरंत यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन लगा देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमने आज क्या सीख लिया, कैसे हम लोग परसेंटेज को निकालते हैं। ये तो हमारा फाइव सब्जेक्ट का परसेंटेज था, ऐसे हम लोग अगर मान लो हाई स्कूल का निकालना हो, टेंथ का निकालना हो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिक्स सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, किसको डिफाइन कर लेंगे, सिक्स सब्जेक्ट को डिफाइन कर लेंगे, तो सिक्स सब्जेक्ट से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, बाकी सबका सेम प्रोसेस वही होगा, तो आपका ये गेट सी एच हो गया, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, ध्यान से देख लेते हैं, आउटपुट कैसे मिलेगा इसका, अगर हम लोग इसको आउटपुट की बात कर लें तो कैसे यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, चलिए जल्दी से भाई। तो आउटपुट इसमें हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले आपसे मांगेगा, ठीक है, इंटर द फाइव सब्जेक्ट, ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई, आउटपुट देख लेते हैं, इंटर द फाइव सब्जेक्ट मार्क्स, ओके। चलिए पहला हमने दे दिया कुछ भी, 60 दे दिया, 70 दे दिया, 80 दे दिया, 75 दे दिया, 65 दे दिया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे मार्क्स दिया, मार्क्स क्या हो जाएगा, टोटल आपका ये ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये परसेंटेज दे देगा, ठीक है। परसेंटेज क्या दे देगा भाई, तीन सौ 51 नंबर हुआ, पाँच से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, पाँच सत्ते पैंतीस, ठीक है, और आपका 1 बचा, ठीक है, तो आपका लगभग हो जाएगा ये 70.1, आपका ये क्या हो गया, परसेंटेज डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही हमारा आउटपुट मिलेगा परसेंटेज में, ठीक है। चलिए आज का हमने प्रोग्राम यहीं पे इसको सीख लिया, कंप्लीट कर लिया, ओके।